हाय मूवी शुभिन, क्या हाल चाल है जी? आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर दो चीजें लेके आ रहा हूँ। एक तो चुप का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट क्या है एज ऑफ नाउ, कितनी स्क्रीन्स पे रिलीज हो रही है, और इसका जो नंबर है क्या छोटा है बड़ा है, क्योंकि कंसिडरिंग ये सिर्फ 75 रुपीज में इसका फर्स्ट डे के शो सारे सोल्ड ऑफ होने वाले हैं। तो ये नंबर का मतलब अगर हम एक्सट्रापोलेट करें, जो टिकट 75 रुपये की ना हो के मान लीजिए 250 रुपये की टिकट ऑन एन एवरेज हो या 200 रुपये की हो, तो कितना बड़ा नंबर बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में क्योंकि ये मैंने मूवी देखी नहीं है, मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर है जिसका नाम है जसप्रीत सिंह, वो बहुत बड़े फैन है सनी देओल के, तो उनसे मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू करी कि मूवी किस बारे के अंदर है, तो उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे, क्या उनको अच्छा लगा और क्या उनको ठीक नहीं लगा इस मूवी के अंदर जो कि आर बाल्की ने बनाई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने स्क्रीन्स के अंदर रिलीज होने वाला है। ये 4,000 स्क्रीन्स के अंदर रिलीज होने वाली है, जिस इज मैं वो चाहिए बिग नंबर कंसिडरिंग के आप सामने ब्रह्मास्त्र वगैरह भी मूवी अभी तक ठीक ठाक चल रही है और सोल्ड ऑफ चल रही है, तो काफी अच्छा नंबर है इसका। जो अभी तक की जो कमाई है वो लगभग लगभग हो चुकी है 1.1 करोड़ रुपीज एट द रेट ऑफ मोस्टली 75 रुपीज, बट क्योंकि 1.1 करोड़ रुपीज सैटरडे संडे का भी फिगर है, तो इसमें से कुछ ना कुछ टिकटें ऐसी भी होंगी जो 150, 200, 250 में भी बिकी होंगी, जिसकी वजह से जो टिकट काउंट है वो है करीबन 1.4 लाख टिकट्स। तो मुंबई के अंदर जो इसकी कलेक्शन हुई है वो करीबन है 18 लाख रुपए। दिल्ली एनसीआर जो यूजुअली सनी देओल का फोर्टे माना गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कलेक्शन आती है, वो है 20 लाख रुपए। बैंगलोर और पुणे के अंदर है 7 लाख रुपए, और हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद में है 3-3 लाख रुपए तीनों जगह पे, और बाकी फिर लॉन्ग टेल है जो कि लाख रुपए से थोड़ा सा या लाख रुपए से नीचे या लाख रुपए टचिंग है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो दुलकर सलमान है उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है जसप्रीत सिंह ने, उन्होंने बोला कि इन्होंने काफ़ी अच्छा एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल लोनर है और साथ में कुछ लव के इमोशंस फिर भी दिखा सकता है एज अ लोनर हुए हुए भी और एज अ लव बडी होते हुए भी, किस तरीके से दिखाता है बहुत अच्छा दिखाया गया। जिनके साथ इनको लव हो जाता है, हालांकि वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनके जो एक्सप्रेशन हैं वो थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, आई थिंक वो थोड़े से रॉ लगे हैं, लेकिन बात पूरी संभाल ली गई है सनी देओल द्वारा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम बैक फॉर मेगा स्टार ऑफ यस्टरडे Years, उसको अच्छी मूवी नहीं मिल रही थी, कर्टसी अच्छे डायरेक्टर्स जो शायद विश्वास खो बैठे थे, और शायद सनी देओल भी एज अ मेन लीड ही आना चाहते थे। यहाँ पर उनका एक ऑलमोस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल है जो कि उस एक पागल इंसान को ढूंढ रहा है जो कि बहुत ज्यादा सेंटी हो गया है फिल्म क्रिटिक्स के स्कोर्स को लेके, और वो उनको एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे रहा है। तो जो जसप्रीत का मानना यह है कि जिस तरीके से वो दर्दनाक मौत दिखाई गई है और उसके पीछे जिस तरीके से गाने चल रहे होते हैं पुराने, वो एक खौफनाक मंजर आपके लिए लेके आते हैं। कौन ये कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, जो बिग रिवील है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने मूवी देखी नहीं है तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जब फ्राइडे को देखूंगा तो फिर आपके सामने पूरा रिव्यू शेयर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतने पे इसको एंड करते हैं कि इसको मोटा मोटा एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, बाकी जब मैं देखूंगा अपने हिसाब से इसको इवैल्यूएट करूंगा आपके साथ अपना रिएक्शन जरूर शेयर करूंगा। मोटी मोटी बात कमिंग बैक टू द एडवांस बुकिंग इज 1.1 करोड़ रुपीज। अब इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर 75 रुपये या एवरेज 100-125 रुपये की टिकट ना माने, तो अगर ये हम इसको 200-250 रुपये की टिकट माने, तो एक कलेक्शन लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपये की है, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, तो 1.1 करोड़ रुपीज ही, तो आप ये मान सकते हो 1.1 करोड़ रुपीज। और अगर फर्स्ट डे के जो जेन्युइन रिव्यूज हैं वो ठीक ठाक आते हैं, अभी तो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों ने ही देखी है, तो आप ये मान सकते हैं कि इसको जो फर्स्ट दिन का जो कलेक्शन होगा, डे वन का जो कलेक्शन होगा, वो समवेयर अराउंड 5-1 करोड़ रुपीज के आसपास टच हो सकता है, जो वीकेंड बिजनेस लगभग लगभग आपका 15 करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। एक सरप्राइज कैमियो भी है इसके अंदर, वो आप गेस कर चुके होंगे, आर बाल्की का एक एक्टर है जिसको लेकर काफी प्यार है, उनका भी एक छोटा सा कैमियो जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।